गुजरात के अंदर हमने करीब 400 जो शहर में पोस्ट ऑफिस हैं वो खोल कर रखे हैं, गांव में जो 8,500 के करीब पोस्ट ऑफिस हैं वो सब काम कर रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रही है कि पोस्ट ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ जमा ना हो, या अगर लोग आते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। इसी के लिए हमने यहाँ पर ये पहल की है कि जितने भी पेंशनर्स हैं या जो गंगा स्वरूपा योजना के लाभार्थी हैं उनके घर पर जाकर पोस्टमैन वो उनको पेमेंट करेगा। तो ये पोस्टमैन सबके घर पर जाकर पेमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ पिछले सप्ताह हम लोगों ने मीटिंग की। हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि उनके मेडिसिन्स देश में जहाँ भी भेजना हो या गुजरात में जहाँ भी भेजना हो हम भेजने को तैयार हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि अभी पिछले 7-8 दिनों के अंदर हमने 10,000 से ज़्यादा केजी की दवाइयाँ हमने जयपुर, भोपाल, नागपुर इत्यादि जगहों पे भेजा है। गुजरात में भी हम लोगों ने कई जगह इन दवाइयों को भेजा है। चीफ पोस्टमास्टर जनरल अशोक पोदार सर कहे जे उन्होंने कहूँ कि गुजराते शुरुआत करी थी मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं मोकलवानी पोस्ट ऑफिस में थी, तेनी खूब ज सारी शुरुआत थी है। राज्यना बीजा पोस्ट ऑफिस है त्या थी पण हवे आ दवाओं कंपनी कंपनीओ है कॉन्टेक्ट कर रही है। खास कर जो बात करिए तो लोगों की भीड़ एकठी न थाय पोस्ट द्वारा जे आ नवतर प्रयोग करवामां आवे छे कि जे गंगा स्वरूप बहनों से लोग ने पेन्शन की जे सहाय रकम है तो पण एमना घरे जईने पूरी पाड़वामां आवी रही है। जतीन भट्ट, DD न्यूज।